बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। और ये जो लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आपके लिए हेल्पफुल किस तरीके से हैं? आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगला एग्ज़ाम जो नीट का 2025 में होने वाला है, अगर उसके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप 12th में हैं, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, CBSE या UP बोर्ड, जो इंग्लिश मीडियम NCERT चल रही है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, स्पेशली बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप बेसिकली ये पढ़ाई इस लेवल की है, लाइन बाय लाइन का डिस्कशन या जो की पॉइंट्स का डिस्कशन होता है हम इसके हिसाब से कर रहे हैं, और क्वेश्चन का डिस्कशन जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे ना MCQs करवाएंगे। ठीक है, जब चैप्टर ख़त्म होगा तब। अभी एक्चुअल में हम सॉरी चैप्टर का जो साइज है, हम कोई भी मतलब वीडियो का वो 20 से 30 मिनट के बीच का टारगेट रखे हैं। 20 मिनट में हालांकि हो नहीं पाता है, 30 मिनट तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो एवरेज यहाँ पे 24 से 25 मिनट जाएगा, हम थोड़ा सा अगर स्पीड को हल्का सा मॉडरेट कर दे तो। ठीक है, सो कई लेक्चर लगेंगे एक पूरे टॉपिक को ख़त्म करने में, तो टॉपिक या यूनिट ख़त्म होगा उसके बाद हम इस पर MCQs करेंगे, जितने पॉसिबल MCQs होंगे उसको करेंगे। ठीक है, ताकि आपके प्रिपरेशन जो है होलिस्टिक हो सके। होलिस्टिक प्रिपरेशन का मतलब समझते हैं ना, कंप्लीट प्रिपरेशन। और बायोलॉजी को लोग ना बहुत हल्के में लेके चलते हैं, हल्के में इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हमने बहुत बच्चों को देखा, इवन सिलेक्शन ले लेते हैं फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और बस बहुत से बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि अरे बायोलॉजी तो बहुत आसान है, लेकिन तब भी आप सोचिए कि उसमें भी 320 और 330 स्कोर करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और वो बात 360 की करते हैं, 360/360 नीट के एग्ज़ाम में। मीनिंग समझ रहे हैं? मीनिंग ये है कि अगर इसमें 360 आसानी से आ सकता है, तो आप 300 प्लस नहीं अटक सकते हैं। 300 प्लस, 290, 280, ये स्कोर अच्छा नहीं है। बायोलॉजी के लिए आपके लिए बढ़िया स्कोर होगा 340 प्लस, तो मिनिमम किसी कीमत पे आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप टॉप रेंज की कैटेगरी में रखते हैं कि आपको एम्स मिले, तो इसमें तो 360 से नीचे टारगेट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, और इसी एक्यूरेसी के लिए हम जब MCQs करेंगे तो आई वोंट प्रोवाइड यू आंसर की हियर, यहाँ पे मैं आंसर की जो है ना आंसर की नहीं देता हूँ। क्यों? मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन को समझा के बताऊँगा, ऑप्शंस बताऊँगा, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर आप लिखेंगे, और आंसर आपको नहीं पता होगा तो आप ढूंढ के आंसर लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के ऊपर। तो आप एकदम पहले वीडियो या दूसरे वीडियो लेक्चर में आप चले जाएंगे, तो हमने वहाँ पे वर्ड था इकोसिस्टम का, जिसको समझाया था, नहीं इकोसिस्टम का मीनिंग समझाया था वहाँ पे। तो इकोसिस्टम होता क्या है, हमने यहाँ पे बताया था कि आपके इन्वायरमेंट में जो सराउंडिंग है उसमें दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग को एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, और लिविंग को क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, ठीक है, और इकोसिस्टम में इनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, पहला इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा इंटरेक्शन होता है बायोटिक का बायोटिक के साथ, इनके साथ, इनके बीच में, ये दूसरा इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग? पॉपुलेशन इज बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब बिटवीन दी एमंग दी पॉपुलेशन, इंटरेक्शन किसके बीच में है? एमंग दी ऑर्गेनिज्म, एमंग दी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, समझ में आ रहा है ना, इनके बीच में इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को हम इन जनरल क्या बोलते हैं? बायोटिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? तो बायोटिक इंटरेक्शन नाम से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही इंटरेक्शन है। और जब हम नेचर में स्टडी करते हैं, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक कोटेशन भी बताया था आपको, किसका कोटेशन? बहुत फेमस कोटेशन है और फेमस राइटर है रेचल कार्सन। अगर इनकी आपने किताब नहीं पढ़ी है तो कभी पढ़ने का मन हो नॉवेल तो आप पढ़िएगा, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से है। क्या? साइलेंट स्प्रिंग। ये पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट का वो था, ये एक्चुअली में ओवरऑल ये पेस्टिसाइड के निगेटिव इम्प्लीकेशन या निगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर
पूरी स्टोरी बनी थी, ठीक है। और इसी के बाद जो है ना, जो EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आपका USA का, ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कहानी अलग है, लेकिन रेचल कार्सन की ये बुक है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ बोला था कि इन नेचर, मतलब इनका इन्हीं का कोटेशन है एक्चुअली में, इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, नो इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ठीक है। मीनिंग ये है, नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी पॉपुलेशन हैं, ऑर्गेनिज्म हम बात करें, तो ये आइसोलेशन में नहीं होते कि हमने ऐसे चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना ली है नॉर्थ कोरिया की तरह, भैया हम बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, हम अपना ही केवल यहीं पे बस जो भी है सब कुछ काम करना है, ठीक है। नहीं, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसको हम पढ़ते हैं फूड किस में, फूड चेन में पढ़ते हैं ना भाई, फूड चेन में पढ़ते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो क्या है, इंटरेक्शन ही तो है, ठीक है, वो इंटरेक्शन ही है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में। वो इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इंटरेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, वो इंटरेक्शन न्यूट्रल भी हो सकता है, समझ रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। इन्हीं तीनों के बेस पे हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस को, कि इंटरेक्शन पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप के इंटरेक्शंस को क्या बोलेंगे, कैसे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन नेगेटिव है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगर इंटरेक्शन न्यूट्रल है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। यही है बायोटिक इंटरेक्शंस, यही हमें पढ़ना है, समझ रहे ना। तो कोई भी स्पीसीज जो होगी ना, इवन प्लांट स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है, अलोन। केवल पौधा वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा अलोन, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी क्या होगा, सॉयल में सॉयल माइक्रोब्स चाहिए टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर। जो पौधे मरते हैं, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, तो सड़ती कैसे हैं, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के बाद उनको और जो वहां मिनरल जो इकट्ठा है मिनरल इकट्ठा है, वो कहाँ से रिलीज होंगे सॉयल में, तो रिलीज करने के लिए वहां माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट को, और यही न्यूट्रिएंट जो होता है इनऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, फिर से प्लांट जो है इसको अपटेक करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और प्लांट के ऊपर प्रोड्यूसर्स मतलब हम लोग कंज्यूमर डिपेंडेंट है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, ठीक है, या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो डिपेंडेंट होता है, तो ये फूड चेन जो है बनती रहती है, समझ रहे हैं कि नहीं। यस, तो जितनी भी चीजें हैं नेचर में वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कोई भी चीज जो है आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक इंटरेक्शन, जस्ट रिमेम्बर दिस, या पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कोई भी कम्युनिटी हो नेचर में, वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती ही है, ठीक है। और अगर दो अलग अलग स्पीसीज है, मान लीजिए कि एक स्पीसीज ए है, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए दिक्कत कर रहा है ये, ओके, एक स्पीसीज ये ए है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी स्पीसीज, अरे यार क्या कर रहे हैं भाई, दूसरी स्पीसीज बी है, इसके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है स्पीसीज ए और बी के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर का मतलब बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट होता है ना, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच का, तो इंटर स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक जो मीनिंग है किससे है, स्पीसीज से है, किससे, स्पीसीज से। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोल देंगे। और मान लीजिए कि यही स्पीसीज ए और ए के बीच में हो रहा है, या स्पीसीज बी और बी के बीच में हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विदिन होता है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। तो ये भी ध्यान रखना है हमको, इन जनरल इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन पढ़ना है यहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन आपको ऐसे सच नहीं पढ़ना है, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो नेचर में होता है, इट्स मच मोर डेंजरस, ठीक है, इट्स मच मोर डेंजरस। मतलब जैसे अपने जो फैमिली में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं आपके हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। पड़ोसी से हो, किसी और से हो, वो निगेटिव इम्पैक्ट तो करेगा, लेकिन ये ओवरऑल आपकी फिटनेस को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है जो खुद की स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि खुद की स्पीसीज के बीच में हो रहा है ना, तो जो फैक्टर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए,
सेम फैक्टर आपके जो दूसरी स्पीसीज है सेम मतलब पॉपुलेशन का उसको चाहिए, ठीक है, इसको भी सेम ही चाहिए, इसको भी सेम चाहिए, तो समझ रहे हैं ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है इकोसिस्टम या हैबिटेट के ऊपर, समझ रहे हैं ना। इसलिए इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस, मोर थ्रेटफुल। अगर यहाँ पे ज़्यादा इंट्रैक्शन, ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब समझ में आया इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक बायोटिक इंट्रैक्शन और क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बिना इसके कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं करेगी, ये भी पता हो गया। अब आते हैं हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को देखते हैं। हमने बताया कि तीन में हम इनको आपको दिखा सकते हैं, किसमें किसमें, पॉजिटिव में इंट्रैक्शन क्या दिखा सकते हैं, इंट्रैक्शन जो होगा पॉजिटिव इंट्रैक्शन दिखा सकते हैं, निगेटिव इंट्रैक्शन हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है, ठीक है, स्पीसीज एक दूसरे को हार्म नहीं कर रही है किसी भी लेवल पे, ना तो फायदा पहुंचा रहे ना तो हार्म कर रही है। हाँ, एसोसिएटेड है किसी न किसी फॉर्म में, वो साथ में चल रही है, लेकिन कोई नुकसान फायदा उनका ऐसा सच नहीं हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आप किसी लंबे रास्ते पे हैं, सपोज अकेले जा रहे थे, अकेले आप जा रहे हैं साइकिल से धीरे धीरे, ठीक है, या बाइक से ही जा रहे हैं, तब तक कोई पड़ोसी आया, मतलब ऐसे ही कोई दूसरा भी सेम रास्ते पे जा रहा है, वो भी आपके साथ साथ चल दिया, ठीक है, आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत बातें ये कर लें और आगे रास्ता ऐसे आप चलते जा रहे हैं और लास्ट में आप इधर चले गए और ये इधर चला गया, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ आपका, आप वैसे भी जा रहे थे गाना गाते हुए, साथ में आ गए तो बतियाते हुए जाने लगे, ठीक है। तो ऐसे इंट्रैक्शन को हम न्यूट्रल इंट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे भी इंट्रैक्शन आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कम होते हैं इन जनरल, ठीक है। हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली वो इंट्रैक्शन पॉजिटिव या निगेटिव वाले पढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लो जो चीज़ मैंने बताई है, ठीक है, पॉज करके वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन का यही एक फायदा है, बाकी सब बहुत नुकसान तो बहुत सारे हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, बहुत सारा नुकसान है भाई, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम पॉजिटिव इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्पीसीज लिया है ए और दूसरी स्पीसीज हमने बी लिया है, मतलब हम किस टाइप के इंट्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक, बताइए, अरे कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई, हम ही सब बताते जाए, आप क्या करेंगे, आप अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो ये बात बता दें, जो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं और टीचर के ऊपर ब्लेम करते हैं, जो वहाँ पे मैनेजमेंट होता है उसको ब्लेम करते हैं कि टीचर ढंग से पढ़ा नहीं रहा, देखिए आप अगर पढ़ने वाले हैं, आपकी विलिंगनेस है पढ़ रहे हैं और आप टीचर को कैद करके रखे हैं मतलब अपने क्वेश्चंस से, तो टीचर भाग नहीं सकता, या तो भागेगा तो कंप्लीट भाग जाएगा, लेकिन टीचर रुक के ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना पढ़ाए, लेकिन वो आपका विलिंगनेस है, आप मस्ती कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना ही नहीं है, जब टेस्ट में नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्जाम में आप कांपने लगे, एग्जाम में टाइम नहीं मैनेज कर पाए, तो आप टीचर के ऊपर ब्लेम कर देंगे कि हमारा ये तैयार नहीं हो पाया था, अरे शुरू से क्या कर रहे थे भाई, साल भर का अभी टाइम है, अभी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो फिर से बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, देख रहा हूँ कि मतलब सिस्टम जो है, एग्जाम 5 मई का खत्म हुआ है, बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं, कोई घर भोज कर रहा है, तो कोई शादी मना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, सब चल रहा है, और ये रिजल्ट जिस दिन निकलेगा ना, एक ऑलरेडी पता है मूड अपसेट है कि नहीं हो रहा सिलेक्शन, जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर से मूड अपसेट करेंगे एक हफ्ते के लिए, उसके बाद कहेंगे अब हम 1 हफ्ते 10 दिन घूमेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे, तब तक ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है बाबू, 1 महीना 1.5 महीना आप पीछे हो गए हैं इतना, और आप पीछे चल रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। चलिए खैर वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, इसको हम अभी आज बनाएंगे वीडियो एक लेक्चर। तो ये इंट्रैक्शन दो स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, इसका मतलब ये इंट्रैक्शन कैसा है, इंटर है, इंटर स्पेसिफिक, क्या है, इंटर स्पेसिफिक, क्लियर है कि नहीं, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है। यहाँ पे पहला इंट्रैक्शन देखिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखा है, प्लस का साइन मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी प्लस का साइन मतलब पॉजिटिव, मतलब ये दोनों जो इंटरैक्टिंग स्पीसीज हैं, ये दोनों इंटरेक्शन इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो है ना, ए और बी, ये एक दूसरे दोनों के लिए फायदेमंद है, मतलब ये इसको फायदा पहुंचा रहा है प्लस, और ये इसको फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे इंटरेक्शन को हम इन जनरल क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, क्लियर है कि नहीं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है वर्ड आए, हो सकता है ना भी आए, तो दो टाइप से इसमें मिलेगा हमको, एक होगा सिम्बायोटिक इंटरेक्शन,
ठीक है, सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन, और एक होगा नॉन ऑब्लिगेट, नॉन ऑब्लिगेट या नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है भैया यहाँ पे दो जान एक जिस्म की बात है, एक जिस्म दो जान, पढ़े है ना ये कहानी प्यार मोहब्बत में, एक जिस्म दो जान मतलब भाई एक जिस्म एक ही है और इसमें दो दिल आपने बैठा रखा है, ठीक है। ये शुरुआती प्यार मोहब्बत में लोगों को ज्यादा होता है, हैं? थोड़ा सा जैसे कंडीशन या क्राइसिस क्रिएट होती है तुरंत भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के, ठीक है, और आपके केस में बहुत ज्यादा होता है, और इसी चक्कर में आप लोग ना अपना पूरा करियर जो है बर्बाद कर लेते हैं, और फिर दो साल तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहेंगे भैया निगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, हैं? जब पढ़ाई के टाइम पे आपको समझ में नहीं आता, ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो भी यही माहौल चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग में है तो घर पे यही माहौल चल रहा है, टेक्सटिंग चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं 10 मिनट और टेक्सटिंग चल रही है 1 घंटे 2 घंटे, उसी का वेट कर रहे हैं, फिर तब तक रील्स भी देख लिए, बहुत सारा काम करते रहते हैं आप लोग। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब यही है कि अगर ए स्पीसीज मरी तो बी स्पीसीज भी सर्वाइव नहीं करेगी, बी स्पीसीज अगर मर गई तो ए स्पीसीज सर्वाइव नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लाइकेन भी है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोरल्स भी है, कोरल्स मूंगा जो आप सब उसमें मूवीज में पिक्चर्स में देखते हैं, बड़ा कलरफुल दिखता है ना, ठीक है, उसमें कलरफुल फिशेस भी होती है समुद्र के अंदर देखने को मिलता है कोरल्स, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म के अंदर में आता है, क्लियर है। दूसरा रिलेशन अगर हम देखें पॉजिटिव का ही देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव दिख रहा है जिसमें स्पीसीज ए जो है वो पॉजिटिवली अफेक्टेड है और दूसरी स्पीसीज निगेटिवली अफेक्टेड है, समझ रहे ना, दूसरी स्पीसीज क्या है निगेटिवली अफेक्टेड है, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है प्रीडेशन में। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिवली अफेक्टेड स्पीसीज है ये इसके ऊपर प्रीडेट कर रही है, खा रही है, ठीक है। प्रीडेशन कहते हैं ना, प्रीडेटर जो होते हैं, प्रे एंड प्रीडेटर का रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या प्रे एंड प्रीडेटर, ठीक है, प्रे एंड प्रीडेटर मतलब जैसे लायन हो गया और वहां पे मान लीजिए कोई गोट का कब हो गया या हिरन हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, कोई भी चीज दिख गया, ठीक है, तो ये प्रे एंड प्रीडेटर का रिलेशनशिप है, मतलब लायन इसी को ना खाएगा भाई, है लायन जो है लायन को थोड़ी खाने जा रहा है, टाइगर को थोड़ी खाने जा रहा है, नहीं, वो जो प्रे होगा उसको खाएगा। तो प्रे हमेशा नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको इसको प्रेडेटर बोलते हैं और ये प्रे है, ठीक है, तो प्रे जो होता है इन जनरल यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, ये वीक होगा कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में, और प्रेडेटर साइज की बात नहीं होती, यहाँ पे साइज की बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल जो प्रे होता है, प्रेडेटर होता है, ये लार्ज साइज का होता है इन जनरल, लेकिन कुछ केसेस में जैसे इन जनरल एलिफेंट की हम बात नहीं करते, उनको नॉर्मली कोई प्रिडेट नहीं करता है, या जैसे जेब्रा हो गया, ठीक है, या आपके वो हो गया लेमार का जिसपे काम हुआ था, जिराफ हो गया, ये सब बड़े साइज के होते हैं, फिर भी लायन या टाइगर अटैक कर देते हैं, वो कम केसेस है, लेकिन इन जनरल जो होता है प्रिडेटर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, प्रे का साइज छोटा होता है कंपेरेटिवली और वीक होता है। दूसरा एग्जैक्ट केस देखिए क्या है, प्लस और माइनस का, देख रहे हैं ना, दो केस हमको देखने को मिला है प्रिडेशन का, तो ये पैरासिटिज्म है, तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको टेंशन ना को हम यहीं पे समझा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। प्रीडेशन में क्या होता है कि इमीडिएट किलिंग होती है, किलिंग इमीडिएट किलिंग होती है, यही डिफरेंस है। अभी देखिएगा यहाँ पे जो प्रे है मतलब लायन जो है यहाँ पे तुरंत जो है ना वो हिरन को खा जाएगा, चाहे वो ब्लैक बैक हो चाहे नॉर्मल हिरन हो, ठीक है, तुरंत ही खाएगा, समझ रहे हैं, मतलब इमीडिएट किलिंग है। खरगोश को पा गया तुरंत उसको दबोच लेगा, जैसे भेड़िया है खरगोश को पाया, बकरी को पाया, गोट को, तो दबोच लिया, मतलब इमीडिएट किलिंग है, समझ रहे हैं ना, बफलों को वो सब मारते हैं तो इमीडिएट किलिंग है, जैसे आपका एलिगेटर होता है, घड़ियाल जो होते हैं, वहां पे आप किनारे चले जाइए तुरंत मार देगा आपको, है वहां पे बस मिल जाए आप पानी पीते हुए, धीरे से आएगा एकदम ऐसे टहलते हुए पानी के अंदर से, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे दबोच लेगा, इमीडिएट किलिंग है। तो ये प्रीडेशन है, यहाँ पे इमीडिएट किलिंग होती है, लेकिन पैरासिटिज्म में यहाँ पर भी प्लस और माइनस का ही रिलेशनशिप है। तो प्लस यहाँ पे कौन होगा, जो पॉजिटिव, किसको फायदा मिलेगा, पैरासाइट को, ठीक है, और निगेटिव जो होस्ट होगा, तो यहाँ पे होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, होस्ट को हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। और अगर इसमें हम पैरासाइट जो भी है उसके लिए अगर मेडिसिन या उसका उपाय नहीं करते हैं,
क्योर नहीं करते हैं तो होस्ट जो है स्लोली मरेगा, ये ना स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, तो स्लो डेथ होगी। लेकिन अगर हमने क्योर नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो अल्टीमेट डेथ इसमें भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन होस्ट एंड पैरासाइट में क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो हम दवाई लेके ठीक कर लेते हैं अपने आप को। तो पैरासाइट जो होते हैं ना, जैसे हमारे इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, हुकवर्म पढ़े ही हैं, प्लेटवर्म फ्लैटवर्म पढ़े ही हैं, बहुत सारे टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं दे आर पैरासाइट्स ओनली, दे डिपेंड अपॉन अस, समझ रहे ना, होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनकी जो सर्वाइवल है सब कुछ, इनको फूड मटेरियल यहीं से मिलता है। तो यहाँ पे जो पैरासाइट होता है ना, ये बहुत छोटे साइज का होता है, इवन माइक्रो होते हैं, दिखते नहीं है आपको, आप माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं नॉर्मली। कुछ कुछ को मैं वैसे भी देख लेंगे, जैसे फीता कृमि निकल गया, स्कैरी से निकल गया तो आप देख लेंगे, लेकिन मान लीजिए बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, फंजाई है, ये सब पैरासाइट्स हैं, ये कहाँ से दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे इन जनरल, अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो। तो पैरासाइट यहाँ पे बड़ा साइज में मजबूत होता है ऐसा नहीं है, इनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, ये उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, ये पैरासिटिज्म है। तो ये भी प्लस और माइनस का रिलेशन है, क्लियर है, प्लस प्लस देख लिया, प्लस माइनस देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम माइनस माइनस के ऊपर। माइनस माइनस क्या है, ये भी रिलेशन है भाई, इसमें किसी को फायदा नहीं, कहते ना कि लड़ाई करोगे दोनों को नुकसान है, ठीक है, तो लड़ाई नहीं करनी है, दिस इज लड़ाई ओनली कंपटीशन। तो जहां पे कंपटीशन होगा, दोनों स्पीसीज बी स्पीसीज ये दोनों को नुकसान होगा। आप किसी से अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो आपकी भी एनर्जी जा रही है, उसकी भी एनर्जी जा रही है, ठीक है, कंपीट करने में। तो कंपटीशन आप कर रहे हैं तो कंपटीशन कैसा है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कंपीट कर रहे हैं किसी से तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी क्यों वर्ड यूज किया गया है, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव इंटरेक्शन जो है, निगेटिविटी जो है, ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंटरेक्शन आता है तो प्लस एंड जीरो का आता है, मतलब सोचिए जीरो है मतलब ये दूसरी स्पीसीज को फायदा है, जैसे हमने बताया ना कि एग्जाम्पल दो लोग जा रहे हैं तो हो सकता है दूसरे को फायदा हो गया, दूसरा आदमी डर रहा था, आप डर नहीं रहे थे, आपको कोई नुकसान फायदा नहीं, आप अकेले भी जाते गाना गाते हुए निकल लेते, लेकिन दूसरा आदमी को डर लग